इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर स्पीकर्स की प्रॉब्लम आ जाती है लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मेरा मेन मीनिंग इससे नहीं है कि आपके स्पीकर्स ख़राब हो जाते हैं आपके लैपटॉप के अंदर, तो उसके अंदर अगर ख़राब हैं तो वो ख़राब ही रहेंगे, वो ठीक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसको अगर हम बंद कर देते हैं तो स्पीकर हमारे चलने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर स्पीकर्स पे ऐसा क्रॉस का निशान दिखाई देता है यहाँ पर, तो समझ जाइएगा कि सेटिंग्स बंद हैं। अब यहाँ पर ये इशू आता है तो सोल्व कैसे करें ये हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा स्टार्ट के ऑप्शन पर। जैसे ही स्टार्ट के ऑप्शन पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को भी जो है आपको खोल लेना है यहाँ पर। और जैसे ही कंट्रोल पैनल को हम खोलेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा साउंड। ये रहा है यहाँ पर साउंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्पीकर्स की सेटिंग्स और हाई डेफिनेशंस वगैरह वगैरह, ऑडियो डिवाइस रेडी सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, देखिए अभी मैंने यहाँ पर ये स्पीकर्स वाला मोड बंद हुआ हुआ है ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, क्या सेटिंग्स होती है, जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से ये डिसेबल हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक भी होता होगा सो डिसेबल डिवाइस, सो डिस्कनेक्ट डिवाइस, इन पर भी क्लिक लग जाता है। यहाँ पर आपको पहले आना है और यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आपका स्पीकर रिलेटेड कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपको इनेबल दिखाई दे, डिसेबल हो जाता है, यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन दिखाई दे तो इनेबल कर दीजिएगा। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे आपके स्पीकर से रिलेटेड जो भी इशू होगा आपके लैपटॉप के अंदर वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर स्पीकर्स वर्क करते हैं, आपके कंप्यूटर में भी स्पीकर्स वगैरह आप लगा देते हैं, जो भी लगाते हैं वो यहाँ पर इसके थ्रू ही वो चलते हैं, क्योंकि सेटिंग्स इससे ही जाती हैं और यहाँ पर ये माइक्रोफोन और स्पीकर्स इसके ही वर्क करते हैं, इसकी परमिशंस रहती हैं। तो अगर ये डिसेबल रहेगा तो आपकी ऑडियो या आपके गाने की आवाज़ वो आपके स्पीकर में नहीं जा पाएगी, हेडफोन में आपकी आ जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको डिसेबल करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इशू हो जाएंगे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम पर इस तरीके की सेटिंग्स करना अलाउड नहीं होता है स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर। बाकी वरना मैं आपको सारी चीज़ें परफेक्टली दिखा देता आपके कंप्यूटर के अंदर ही, कि क्या क्या इशू होते हैं, आपको क्रॉस किस तरीके का बना हुआ आता है, सब कुछ बता देता। लेकिन बस यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली सेटिंग्स बता दी है, तो आप ये करिए और आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सोल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।